रे सुनो रे, वो वाइल्ड सेक्स के हो गए भाई, कुछ पता है क्या? खबर राखी है कैसे कर रहे हैं भाई इसने? अरे यार, वो अक्षय कुमार और रेखा वाला गाना देख लिया मैंने, खिलाड़ियों खिलाड़ी वाला, जिसमें अक्षय कुमार पिघली चॉकलेट लगा के चटा दे है रेखा के, बस वही देख लिया मैंने। सोचा भाई मजा आ जाओगा, बबीता भी एक्साइटमेंट हो जाओगी, तो भाई मैंने भी ना वो चार पाँच डेरी मिल्क खरीदी, उसको पिघला के बैठ चॉकलेट मल ली भाई अपनी गर्दन पे, और चला गया धोरे बबीता के। मैंने कर ले बबीता चाट, फिर भाई मेरे को कहती पप्पो चिड़ी के बावड़ी गेंडे के, तीन तीन हफ्ते तू नावे ना है, वो जो भैंस बांध रखी है ना उससे चटा ले। मैंने कहा यार सोनू बैंड चो, इतना मूड खराब हो गया ना भाई, तू फटाफट घर आ जा यार, परेशान हो लिया तेरा भाई, बैंड चो उक्का ले आइए। हाय गाइस, मैं हूं शांतनु और ये है ऑनेस्टली सेइंग। तो भैया नवंबर ऑलमोस्ट खत्म होने को आ गया है, और अगर आपको याद होगा तो नवंबर की शुरुआत में इस मुठलैंड के सारे प्रॉस्परस मुठराजों ने, सारे मुठ प्रांत के मुठराज एक साथ आके हम लोगों ने एक मुठ प्रॉमिस लिया था कि हम नो नट नवंबर जैसा जानलेवा और घातक भीषण त्योहार मुठलैंड में नहीं मनाते। तो मैं बस यही आशा करता हूं कि हर शौर्य वीर मुठराज आगे बढ़कर रोज एक बार दिन में पतंग उड़ा ही रहे होंगे और इस कलेक्टिव डिसीजन पर अमल कर रहे होंगे। तो गाइस, इस हफ्ते तुम्हारे लिए कंटेंट ढूंढते डांटते शान पराशर द आर्कियोलॉजिस्ट उतर गया यूट्यूब के 90s के बॉलीवुड एरा के कैटाकॉम्स में, और यहां पर मैंने पकड़ ली एक बहुत ही नशीली और रंगीली गली, और वो गली मेरे को लीड करके ले गई एक ऐसे गाने की तरफ जिस गाने को सुनकर 90s के हर लड़के के लंगोट में और हर लड़की के पेटीकोट में यौवन के बीज बो दिए गए थे। इस मदमस्त कर देने वाली नशीली सी गजल के कुछ प्यारे से बोल हैं, इन द नाइट नो कंट्रोल, क्या करूं कुछ तो बोल। तो भैया 90s के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये गाना इतना ज्यादा वाइल्ड था, इतना ज्यादा जंगली ये गाना था कि इसमें जो एक्टर्स है ना उनको एज ह्यूमंस एड्रेस करना ठीक नहीं रहेगा, तो मैं उनको एज एड्रेस करूंगा जंतु यानी क्रीचर्स। और इसमें जो नर जंतु हैं वो थे अक्षय कुमार, और जो मादा जंतु थी वो थी रेखा जी। तो मित्रों, गाने की स्टोरी बहुत ही सरल और सिंपल सी है। रेखा जी जो प्ले करती है मैडम माया, उनको रात में हो रहा है संभोग करने की बहुत ज्यादा लालसा, उनका मन कर रहा है कि सेक्स करा जाए, ताबड़तोड़ करा जाए, पलंग तोड़ करा जाए, और उसके लिए उनको मिल नहीं रहा है कोई सब्जेक्ट। और तभी उनके सामने आ जाता है अक्षय कुमार जो प्ले करते हैं इनके बॉडीगार्ड पिक्चर के अंदर, और फिर वो पांच सात नखरे चोदते हैं कि मुझे नहीं करना है, मैं आपके माया जाल में मैडम माया फंसूंगा नहीं। लेकिन तीन चार मिनट के अंदर अंदर वो फंस जाते हैं, और इतने अच्छे फंसते हैं वो आपको अभी पता लगेगा। तो ये अंडकोश को विचलित कर देने वाले गाने को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि इस गाने में पांच मिनट पहले क्या होता है, व्हाट लीड्स अप टू दिस सिचुएशन व्हिच एक्चुअली स्टार्टेड एवरीबॉडीज पेटीकोट्स इन द 90s। तो भैया 90s की मूवीज में हीरोज को सेक्स करने के लिए ज्यादा मुशक्कत करनी नहीं पड़ती थी, चार पांच अंडसंड से आदमियों को पीट दो हीरोइन के सामने, हीरोइन खुश। और इसमें भी ऐसा ही होता है, अक्षय कुमार बॉडीगार्ड होते हैं मैडम माया के, और मैडम माया को चार पांच लौंडे छेड़ रहे होते हैं, अक्षय कुमार देह दनादन बहन जो छिताई कर देता है उनकी, एंड मैडम माया गाड़ी के उस पार से खड़े होकर देख रही होती है, अक्षय ओ माय गॉड माय ओवरीज जस्ट बर्स्ट एंड ओनली यू कैन हैंडल द डैमेज नाउ, सी यू एट नाइट ऑन माय पलंग। क्या लोगे हमारी जान? तो जब मैडम माया मिशन चौदम पट्टी 1996 अपने दिमाग में बुन रही होती है, साथ ही साथ अक्षय कुमार पड़ जाते हैं रवीना टंडन के प्यार में, जो होती है मैडम माया की बहन। बट अक्षय कुमार इस पूरी की पूरे 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 इक्वेशन को, केमिस्ट्री द साइंस ऑफ फिक्शन जानलेवा इक्वेशन को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते हैं, और मैं उनको ब्लेम नहीं करता क्योंकि रवीना टंडन को देखो उस पिक्चर में और रेखा को देखो कोई भी जाएगा। सो जस्ट लाइक एनी प्राउड मुठराज वुड डू, अक्षय कुमार आगे बढ़ते हैं, अपने दिमाग में कैलकुलेशंस करते हैं, सारी गलत बैंचो अबाउट लव एंड लस्ट बड़े ही कंसेंट के साथ और बड़ी विलिंगली रवीना टंडन को चुतोड़ा पे लात पड़ जाती है यहां पर। गहरे से गहरा जख्म भी इतना दर्द नहीं देता जितना आज तुमने मुझे दिया है। और अक्षय कुमार लपक पड़ते हैं एक झींगे की तरह इस जूसी डील पर, और फिर शुरू होता है चार मिनट की क्लास ऑफ कौन चढ़ेगा किस पर। तो भैया गाना शुरू होता है और देखते ही आप ये समझ जाओगे पहले दो सेकंड में कि अक्षय कुमार को पता है भैया आज रात को खाने को मिलेगा शाही पनीर, पर वो नखरे चोदते हैं कि मैं भैया डाइटिंग पर हूं। तो गाना आगे बढ़ता है और अक्षय कुमार के नखरे वैसे ही कम होते जाते हैं जैसे जैसे रेखा के कपड़े। तो भैया 30-35 सेकंड के बाद जब रेखा को रियलाइज होता है कि अक्षय फूफा ऐसे अपने कपड़े नहीं उतारेंगे, तो वो उनको दिमाग लड़ा के बना के देती हैं एक वेल राउंडेड वेरी वेल हेल्दी बिग हैप्पी मील। तो रेखा अपनी लूशियस सी हैप्पी मील में अक्षय कुमार को देती हैं अपनी जुल्फे, अपनी सांसें, ऐसे ऐसे करके सांसें, अपनी आंखें, एंड एडिंग द चेरी ऑन द टॉप अपने होठ। So to recap the composition of the deal that Rekha gives to Akshay, वो एक और बार रिपीट करके बताते हैं कि ये तुम्हें मिल रहा है। तो इस हैप्पी मील डील के लॉजिस्टिक सुनने के बाद और एनालाइज करने के बाद कि उनको कितना कुछ मिल रहा है, कितनी वैल्यू फॉर मनी डील है ये, अक्षय कुमार से रुका नहीं जाता और वो पेपरों पे कर देते हैं अपने दस्तखत, जमीन हो जाती है उनके नाम और कट लगता है और अक्षय कुमार अपनी छोटी सी कच्ची में अंडरवियर में नेक्स्ट शॉट में लम लेट होके स्विमिंग पूल में से बाहर निकलते नजर आते।
इसको बोलते हैं नो इफ नो बट ओनली भटा भट। सो इफ यू आर वंडरिंग कि अक्षय कुमार इस पिक्चर में कुछ ज्यादा ही फ्रैंक हो रहे हैं, तो लेट मी टेल यू कि अक्षय कुमार पहली बार ही फ्रैंक नहीं हो रहे हैं। ये अपने जमाने के बहुत दिग्गज, बहुत अव्वल नंबर के मुठराज रह चुके हैं। किसी गाने में ये टिप टिप पानी बरसा के फ्रैंक हो रहे थे, तो कहीं ये दिल देने के चक्कर में फ्रैंक हो रहे हैं रवीना टंडन के साथ। बट एनीवेज, कमिंग बैक टू द जंगल बुक, अब तक जंगल में भीषण आग लग चुकी है। नर जंतु और मादा जंतु दोनों तड़प रहे हैं, कब संभोग होगा, कब संभोग होगा, कब पलंग तोड़े जाएंगे, कब कंबल फटेंगे। बट रेसलमेनिया शुरू करने से पहले अक्षय कुमार बीइंग द खिलाड़ी कुमार दैट ही इज, डिटोर ले लेते हैं और रेखा जी को ले जाते हैं किचन में। अक्षय कुमार आंखों पे पट्टी बांध देते हैं रेखा जी के और उनके मुंह में ठूस देते हैं चम्मच भर के हर्षीज चॉकलेट सिरप जीरो कैल वाला। फिर वो उनके मुंह में एक एप्पल भी ठूस देते हैं जो वो खुशी खुशी ठुसवा लेती हैं अपने मुंह में, विच इज कंप्लीटली फाइन, अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा है। और भैया फिर ज्यादा वाइल्ड होने के चक्कर में अक्षय फूफा एक निकालते हैं चीज स्लाइस और उसके ऊपर मल देते हैं ढेर सारी हर्षीज चॉकलेट सिरप और अपनी चारों उंगलियों के ऊपर रख के उसे ठास देते हैं रेखा जी के मुंह के अंदर। अब बाय गॉड, रेखा जी की आंखें बंद थी, पट्टी बंधी हुई थी उनके ऊपर, इसलिए उन्होंने खा लिया, नहीं तो अगर वो देख लेती ये कुकर्म करते हुए अक्षय कुमार को चीज स्लाइस के ऊपर चॉकलेट सिरप, तो वो घुमा के वो चीज स्लाइस उसकी घाट में दे देती। और हाँ, जाते जाते किचन से निकलते निकलते एडम और ईव को इनको चैन नहीं आता दोनों को, इतना गंद मचा दिया, सेब गिरा दिया, चॉकलेट सिरप गिरा दिया, चीज स्लाइस गिरा दिया फर्श के ऊपर, बाकी बची कुची कसर भी 1.5 किलो टोंड दूध उनकी टांगों पर बहा देते अक्षय कुमार। और बचा कुचा फर्श भी चिपचिपा कर जाते हैं। तो भैया इस गाने में उठापटक देखने के बाद, यानी ऑब्सिडिटी देखने के बाद, मुझे लगा कि सेंसर बोर्ड 1996 में कुछ ऐसे पिक्चरें सेंसर करता होगा। मिश्रा जी, छाती के बाली तो खींच रही है यार, क्या हो गया, ये तो होता रहता है, आपको तो पता ही है मियां बीबी वाला सीन यार, क्या सेंसर करेंगे, छोड़ो यार, बढ़िया सीन है, पास हो गया, पास है जी ये वाला सीन तो पास। अरे तो क्या हो गया शर्मा जी, हाथ ही तो मल रहा है, मतलब कमर की मसाज ही तो कर रहा है यार, वो क्या दिक्कत हो गई, ये तो सिंपल सी बात है। अरे बढ़िया, वाइफ के साथ ट्राई करना, कभी मजा आ जाएगा, अरे करके तो देखता ना, ठीक है पास कर देते हैं, पास है जी पास है। अक्षय जी क्या पिक्चर बनाई है, एक किसी कर लेते हैं यार, हैं इतना इतनी इतनी शरीफों वाला गाना बनाया, सब पास है जी, चलिए चलाइए चलाइए। सो आफ्टर क्लोजली एनालाइजिंग दिस फिजिक्स इज द मैसेज केमिस्ट्री ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ सॉन्ग, व्हाट आई रियलाइज दिस, कि इसकी कॉम्पोजिशन कुछ ऐसी है, 10% चॉकलेट, 10% मिल्क, 5% एप्पल, 30% कीचड़, 43% नहाना धोना यानी बेदिंग, 1% म्यूजिक, 1% डांस इक्वल्स टू लेजेंडरी सॉन्ग। फिर एक सीन आता है जहां पे नर और मादा जंतु दोनों बावले हो जाते हैं और कूद जाते हैं कीचड़ में। अब इसको देखकर ज्यादा एक्साइटेड मत हो जाना, क्योंकि भैया ये मैन मेड कीचड़ था, तुम्हारे घर की तरह बाहर नहीं है जहां पे डेंगू के मच्छर है, बेंचो ले चलो अपनी गर्लफ्रेंड को, चलो बेंचो कीचड़ में जाके सेक्सुअल एक्टिविटीज करेंगे। सो आफ्टर द एक्सट्रीम ऑफ रोड बैटल दोनों गाड़ियां चली जाती हैं कार वॉश के अंदर। हेलो बाय गॉड, ये वाला सीन देखकर बहुत सारे लॉन्डे तो जवान हुए हुए थे 90s वाले, और साथ ही साथ अक्षय कुमार का भी चेहरा देख लो, खिला हुआ एकदम लाल हो रहा है, बहन चोद तो मड बाथ लेके आया और अंदर ही अंदर सोच रहा है कि भाई आई एम नेवर गोइंग बैक टू चांदनी चौक नाउ, ओनली रोड फॉर मी इज अपवर्ड नाउ। तो शावर में स्क्रबिंग, टोनिंग, क्लेंजिंग, एस ग्रैबिंग करने के बाद अक्षय जी और रेखा जी दोनों ही बड़े प्यार से अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे चले जाते हैं, जिसको बोलते हैं बेडरूम। और बाय गॉड, अंडी बंडी शंडिया का झूठ बोलो, 18 साल की उम्र तक तो मुझे ये लगता था ये गाना देखकर कि भैया ये दोनों के दोनों शावर के अंदर नंगे, बिकॉज अक्षय कुमार इतना खुश था तभी होगा। तो भैया ये गाना देखते देखते मुझे एक चीज और याद आई, जब हम 1996 में हम 6-6, 8-8 साल के थे सारे के सारे, तो बच्चे अपने मम्मी पापा को ले जाते थे पिक्चर हॉल दिखाने की, अब खिलाड़ी हो खिलाड़ी आई, अक्षय कुमार की पिक्चर आई है, उसमें ना अंडरटेकर भी है अंडरटेकर। अब बहन जो जब सारे के सारे घर वाले सब पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न समोसे पैक करके पहुंचे, भैया अंडरटेकर को देखेंगे, अक्षय कुमार को देखेंगे, वहां जाके सारे बैठ गए, सब मुंह ठूस, इतने में माया मेम साहब ने गुलाब खिला दिया वहां पे, सारे बच्चे पागल, पापा कह रहे भोसड़ी के तू कर चल, तेरे को तो मैं अंडरटेकर से मिलाता हूं ना, बच्चे को अंडरटेकर असली मिला देखने को, और पिटाई अलग हो गई। तो भैया दोनों की दोनों सवारियां अपनी फाइनल डेस्टिनेशन यानी बेडरूम में पहुंच जाती हैं, बाकी का बचा कुचा ऑर्केस्ट्रा और बर्तन वहीं बजते हैं, और अक्षय कुमार खुश, रेखा खुश, आप भी खुश, मैं भी खुश, घर जाओ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर जाना, और मुंह बंद करो, पेंट से हाथ निकालो।